ये सब छुपाने वाला आप नहीं है, तू पहले ही सबको बोल देता तो शायद। शायद मैंने ही बहुत देर कर दी दीदा, मैंने ऐसा सोचा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी, सब हैंडल कर लूंगी, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने दक्ष को ऐसा कोई साइन नहीं दिया, हमेशा सारी बातें क्लियर रखी, जब भी बात की तो रागिनी के बारे में बात की। हम सब तो हमारा शोरू को जानते हैं ना, हमारा शोरू ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। लक्ष्य रागिनी से प्यार नहीं करता है, सिर्फ इसीलिए मैंने रागिनी को सगाई के लिए मना किया था, और कोई रीजन नहीं था। और माँ ये बात आप भी जानती हो कि रागिनी लक्ष्य जैसे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, पर पापा ने जो भी देखा वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्लीज भरोसा करो मुझ पर। मैं जानती हूँ तूने कुछ गलत नहीं किया, पर पापा को तो लगता है कि मैं गलत हूँ। मैंने अंकल इसमें सोना की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं मुझे अपनी शोभा पे इतना भरोसा होना चाहिए था, मुझे तुम पर यकीन होना चाहिए था कि तुम अपनी बहन के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। मैंने तुम पर चेक किया, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, तुम भूल जाओ उसे। अब अभी बस सिर्फ और सिर्फ रागिनी के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। शेखर कैसा है रागिनी? हाँ डॉक्टर भी कुछ पक्का नहीं कह रहे हैं। रागिनी को कुछ नहीं होगा। मामा रागिनी को कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे रागिनी को, उसे ठीक होना ही होगा। माँ हम सब हैं यहाँ पर रागिनी की देखभाल के लिए, आप घर चले जाइए। नहीं नहीं रागिनी को ऐसा हालत में छोड़ के। माँ दोनों घर में कोई नहीं है, मिश्री तुम समझाओ ना। हाँ माँ तुम जाओ, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मैं तुमको फोन कर दूंगी। माँ तुम्हारा शरीर खराब हो जावे, तुम चली जाओ माँ। ठीक है फोन में मुझको सब बताएगा। हाँ ठीक है। रागिनी की हालत बिगड़ती जा रही है, अगर जल्द से जल्द उसे खून नहीं चढ़ाया गया तो हम उसे खो भी सकते हैं। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, बताइए क्या करना है। हाँ? क्या आप सब अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं? हाँ? जिस किसी का भी खून रागिनी से मैच हो जाएगा उसे उसको ब्लड देना पड़ेगा। व्हाई नॉट, चलिए प्लीज। हाँ हाँ चलिए चलिए। मेरी बच्ची अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, डॉक्टर उसे सांसें देने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें माफी मांगनी है। जाओ जाओ, जाओ।
तू पहले ही बहुत कुछ बर्बाद कर चुका है, अब तेरी कोई बात ना सुननी है हमें। चल निकल, लग जाओ यहाँ से। I said just leave। पश्चाताप कर बेटा। लकी, तू क्या करने जा रहा है? अपनी गलती सुधार। तू पागल हो गया क्या लकी? रुको, मुझे दो। लकी ये पागलपन बंद कर, वापस आ। ओमी, मैंने माँ से वादा किया है। अब आप अटैक कर रही हैं, चली जाइए यहां से। देखिए, मैं जानती हूं कि लक्ष्य ने रागिनी के साथ जो किया है उसके बाद आप हमारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहती हूं। सर, मेडिकल स्टोर से ये दवाइयां ले आइए। छोड़ से, लकी छोड़। मैंने कहा ना लकी, प्लीज लकी, क्या कर रहा है यार? लकी प्लीज यार, बंद कर ये सब। ओमी, मैंने तुझे कहा ना, तू यहां से हट जा। तुझे मेरी कसम ओमी, तू बीच में नहीं आएगा। बस कर यार, प्लीज यार लकी। किसी का खून मैच हुआ रागिनी के साथ? उनकी मदर का खून मैच हुआ। चलिए चल, रुको। लकी, लकी बस कर यार, तड़ाओ, प्लीज छोड़ दे इसको, प्लीज लकी। तुम्हें किसी की कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तुम तो खुश हो कि तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई, है ना? मुझे बस हमेशा एक ही बात याद रहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम जैसे स्पाइनलेस लड़के के साथ प्यार तो क्या, प्यार के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर मेरी बच्ची अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है तो इसे भी जीने का कोई हक नहीं है बेटा। खड़ा हो,
डॉक्टर साहब, ये खून का बैंक यहाँ से कितनी दूर है? लगभग आधा घंटा। इंतजार कर सकते हैं क्या हम? वैसे करना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप करना चाहें तो ये आपकी फैमिली का मैटर है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। नहीं डॉक्टर, हम इंतजार नहीं करेंगे, मैं रागिनी को खून दूंगी। माँ, अब मैं उसकी माँ हूं। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नफरत करती हैं। आपको अगर लगता है कि मैं आपकी गुनहगार हूं तो भले आप मुझे सजा दे दीजिए बाद में, लेकिन अभी मुझे खून देने दीजिए। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। स्वाया ही कुछ कर सकती है, मैं उसे वीडियो चैट करता हूँ। हाँ, शायद उसकी बात मान ले। स्वरा, स्वरा तुम अभी दुर्गा मंदिर आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। देखो लकी अपनी गलती सुधारने के लिए क्या कर रहा है। सोरा प्लीज 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 आ जाओ। सोरा मम्मी प्लीज, लक्ष्य सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, मुझे से सबकी सिंपैथी चाहिए। तो मेरी बहन सब जानबूझ के नहीं कर रही है, वो सचमुच बहुत सीरियस है। इसलिए जिसको जो करना है वो करे, मैं नहीं आ रही हूँ। प्लीज यार, लकी बस कर यार। माँ बाबूजी कहाँ है? वो रागिनी के पास है, अंदर रागिनी का खून चढ़ा रहे, मगर उसे अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर ने बोला है कि अगर थोड़ी देर में उसे होश नहीं आया तो शायद कोमा। शिखर, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाडो लाडो उठ उठ जा मारे लाडो। देख लाडो, तूने हमेशा अपनी दादी माँ की हर बात मानी है, कोई बात ना टाली तूने मारी कभी भी नहीं। आज तो तारे को मारी बात माननी पड़ेगी। उठ जा, उठ बिटिया, लाडो लाडो। देखिए, अगर आधे घंटे में इन्हें होश नहीं आया, इसका मतलब यह है कि ये कोमा में चली गई है। डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहो। Thank you.
का समय हो गया, जाओ हमारे लिए पूजा का थाल ले। क्या हो रहा है यहाँ? सर कोई बेचारा लड़का है जो बेरहमी से अपने आप को मार रहा है। अक्सर लोग यहाँ ऐसे या तो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आते हैं या माता से मन्नत मांगने के लिए। ऐसा ना बोलो डॉक्टर साहब, लाडो रागिनी, तुम ऐसे सो नहीं सकती रागिनी, तुम्हें लड़ना होगा रागिनी, उठो दूर हट हमारी पोती से। अरे अरे माँ जी, रहने दीजिए, पेशेंट से बात करना बहुत जरूरी है, हो सकता है इनकी बातें इनके दिमाग तक पहुंच जाए। रागिनी प्लीज अपनी आंखें खोलो, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। रागिनी के बिना स्वरा अधूरी है, प्लीज उठ जा। देखो मुझे पता कि तुम ना मुझसे गुस्सा हो, इसलिए तुम अपनी आंखें नहीं खोल रही हो, तुम सारी बातें सुन रही हो, है ना? रागिनी, मैंने सुना है कि मैंने बहुत झगड़ती है, बहुत लड़ती है, इससे ना उनका प्यार बढ़ता है। मुझे पता है कि तुम ना मुझसे गुस्सा हो, इसलिए तुम अपनी आंखें नहीं खोल रही हो, तुम सारी बातें सुन रही हो, है ना? रागिनी पर ऐसे चुप रहने से क्या होगा, देखो तुम एक बार उठ जाओ। Locks! Locks!